So, I and my friends decide to go on a road trip to South India. Well, Kashmir से कन्याकुमारी तो नहीं, पर पुणे से कन्याकुमारी ही सही. We spent almost 22 days exploring around the state of Karnataka, God's own country Kerala and Tamil Nadu. And this is going to be a first episode from the series. Yes, we are going Murdeshwar in the state of Karnataka to witness a majestic statue of Lord Shiva which is almost 123 feet tall. And believe me, Murdeshwar से अच्छी अपनी इस road trip की शुरुआत हो ही नहीं सकती थी. So let's go and explore it together. Well, आज की दिन की शुरुआत काफी जल्दी हुई. Since we were about to start our one of the dream road trip, we all were so excited and thrilled at the same time. So ये time पे हम लोग जा रहे हैं road trip पे जो होने वाला है बहुत बड़ा. चार लोग, बहुत सारे destinations. एक गाड़ी अपनी, तो फिर चलते. तो आज के दिन का पहला ब्रेक हो चुका है. चाय के लिए रुके हैं, चाय पीते हैं. तो अभी नारायणपुर के आसपास हम लोग हैं. ड्रिजल्स भी शुरू हो गया है, अभी बस निकलते हैं. मुर्डेश्वर वैसे 548 किलोमीटर से पुणे से, मोस्टली ऑन दी मुंबई बैंगलोर हाईवे. और इसका रास्ता भी काफी मस्त है. तो प्लान ये है, मॉर्निंग में जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सके उतना करके थोड़ा शाम के लिए टाइम बचाते हैं, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर मोर. लेट्स सी हाउ इट गोज. तो अभी कोल्हापुर कुछ 35 किलोमीटर बाकी है और 35 किलोमीटर के पहले सोचा कि कुछ खा लिया जाए. और ब्रेक भी लेना ही था यार, बहुत देर से चल रहे थे. तो अभी हम लोग रुके हैं विठल कामत पे, देखते हैं क्या खाने को मिलता है. तो भाई अभी जर्नी में हमने कर्नाटका के धरवाड़ में देखी IIT. आपको पता था क्या किसी को? नहीं. बाकी अभी धरवाड़ में है. धरवाड़ से अभी भी हमें मुर्डेश्वर के लिए 160 अराउंड किलोमीटर्स जाना है. और आई थिंक अगले 3-4 घंटे में हम तो कर ही लेंगे. इट इज़ गोइंग टू बी फन. तो बात ऐसे कि अभी तक के जो रास्ते काफ़ी सही है, बस 7-8 टोल्स हो गए पुणे से यहाँ तक धरवाड़ तक. मतलब 700 रुपये एक बंदे का जो टिकट होता है वो हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं टोल में. लेकिन रास्ता काफ़ी अच्छा है, आप अच्छे से क्रूज करके आ सकते हो. ये 8वां टोल भरेंगे जो भी 80-90 रुपये के आसपास है. मतलब 1000-1200 रुपये तो ऐसे ही जाने वाले हैं टोल के चक्कर में. 8वां टोल होने के बाद ये सिचुएशन है. अभी सिंगल लेन रोड है जिसके लिए हमने 90 रुपये दिया है. ट्रैफिक भाई बहुत ज़बरदस्त है, हम बस स्लो चल रहे हैं. सो सिंस वी आर नियर टू गोवा, 165 किलोमीटर्स गोवा बता रहा है. उतना ही तो अपना ये भी है मुर्डेश्वर. पंजी 165 है, मुर्डेश्वर नहीं 160 है, 163 कुछ था. तो जब हाईवे से आ रहे थे हमने एक रास्ता मिस कर दिया. रास्ता मिस करने की वजह से गांव से आना पड़ा. और गांव से आने के बाद हमें ये रोड मिला जो अभी आपने देखा. एंड दिस इज़ रियली गुड. मतलब मज़ा तो आ रहा है जर्नी में. थोड़े बहुत रास्ते खराब थे अभी तक, विच वॉज दैट ओनली. मतलब जो हमने मिस किया वहाँ से ही, बाकी इट इज़ गोइंग वेल. फिर से समुद्र के किनारे वाले जो गाँव होते हैं वैसा वाइब शुरू हो गया. आई होप ये वाइब कंटिन्यू रहे, मज़ा आ रहा है. गर्मी तो है, साउथ में जा रहे हैं अभी धूप में, तो गर्मी तो होने वाला है. तो मुर्डेश्वर पहुंचने से पहले कर्नाटका में हम कलगड़गी में आए. अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं नाम बराबर प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है. तो अपन तो भरेंगे ही ना भाई, 10 रुपया बच रहा है. तो लेट्स सी कि कितना जा सकता है. अभी तो ये दिखा दे ना इधर, ये अच्छा खासा पेट्रोल है. बताओ पेट्रोल प्राइस बताओ. यहाँ पे BPCL पेट्रोल पंप कलगड़गी पक्का. हमारा नाम हिरणा, अच्छा सेल है, अच्छा पेट्रोल डीजल अच्छा है. सुपर. थैंक यू. तो भाई अपने को तो हो रही है खुशी, क्योंकि इतने कम रेट में पेट्रोल मैंने कहीं नहीं भरा है, मतलब एटलीस्ट एक साल में. तो अभी जाते हैं. तो
तो अभी टाइम कुछ हुआ 4:30 और हम रास्ता भटक गए थे, और इसमें हमारा कोई गलती नहीं था। गूगल मैप्स पे हमने डाला था मुर्डेश्वर मंदिर, और मुर्डेश्वर मंदिर के नाम पे उन्होंने गोकर्णा का एक पिन दिया था हमको, उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ के फोटोज़ वगैरह सब दिख रहे थे। वी डिसाइड टू गो देयर, और बाद में फिर पता चला जो हमने होटल बुक किया था वो 70 किलोमीटर्स अवे। फिर थोड़ा पता करने पे पता चला गोकर्णा में जो पिन है दैट इज़ नॉट मुर्डेश्वर टेम्पल, एज इन जो मेन मुर्डेश्वर टेम्पल है वो नहीं है, दूसरा होगा तो आई एम नॉट टू श्योर। बट बिफोर गोइंग देयर भूख लग चुका था काफ़ी, तो हम इस होटल में रुक गए। अभी तक खाना खाया नहीं है, थाली तो मिल गया बट आई एम नॉट श्योर कैसा होगा। थक गए अभी, और 1.5 घंटा पहुँचने को लगेगा, आधा घंटा खाने को लगेगा, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। तो ये ट्रिप की फर्स्ट साउथ इंडियन थाली जितना अभी तक टेस्ट किया है इट इज़ डिसेंट, मतलब 100 रुपये में क्या ही मिलेगा ना, बट दिस इज़ रियली गुड। अलग अलग चीज़ें इसमें, अगर भूख लगी मैं खा लेता हूँ बाद में बात करता हूँ। मुर्डेश्वर में एंटर करते ही दूर से ही गोपुरम दिखता है भगवान शिव की विशाल मूर्ति के साथ, तो यही से पता चल जाता है मंदिर की तरफ जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन में जाना होता है। वैसे हमारा स्टे मंदिर से काफ़ी नज़दीक है, ओनली 1.5 किलोमीटर्स अवे। सो फाइनली आफ्टर टायरिंग जर्नी ऑफ लाइक 12-13 आवर्स फ्रॉम पुणे टू मुर्डेश्वर, हम लोग अपने होटल पर पहुँच गए जो हमने कल परसों ही बुक किया था। आई थिंक दिस इज़ फाइन एंड दिस इज़ गुड इनफ फॉर अस टू स्टे फॉर अ डे। लेट मी शो यू कि रूम कैसा है। ओके, तो ये एक रूम है, अच्छा खासा बेड है, ड्रेसिंग एंड ऑल, एक अलमीरा, आई थिंक उधर वॉशरूम रहेगा। मुर्डेश्वर में हम लोग शाम में पहुँचे और अभी कुछ 7:45 बज रहे हैं। सो यहाँ पे पता चला कि कल यानी कि सैटरडे देयर बी लॉट ऑफ रश, ज़्यादा लोग होंगे वीकेंड के कारण, तो हमने भी ये सोचा कि यार कल मॉर्निंग में उठ के जाएंगे रश में जाएंगे, उससे अच्छा है कि आज ही चले जाता है। तो अभी 7:45 हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जहाँ पे हम लोग जाके विल जस्ट एक्सप्लोर इट, देखते हैं कितना एक्सप्लोर करके होता है, और बाकी बचा हुआ हम कल मॉर्निंग में करेंगे। फिर शाम में होटल से फ्रेश होके वी लेफ्ट फॉर द मंदिर, और मंदिर नज़दीक होने के कारण वी डिसाइडेड टू वॉक, और ये रास्ता जाता है मुर्डेश्वर के मार्केट से। तो जो मेरे आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे कुआं है, और उस कुएं में सीढ़ियाँ बनी हुई है जो मोस्टली अपन ने राजस्थान साइड में देखा होगा। बाकी आजू बाजू मार्केट पूरा भरा हुआ है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है बट इट इज़ रियली गुड। तो देख सकते हो वो गोपुरम कितना प्यारा लग रहा है, एंड उसी के बाजू में भगवान भोले की मूर्ति। सो वाइल वॉकिंग टूवर्ड्स द मंदिर मच्छी का स्मेल आएगा बहुत ज़्यादा, तो डोंट वंडर जस्ट बिकॉज वी हैव अ फिश स्टोर हियर जस्ट नेक्स्ट टू द मंदिर। इस गोपुरम में लिफ्ट से ऊपर जाके आप मंदिर के चारों ओर के नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ होता है, और उस लिफ्ट की 10 रुपये पर पर्सन चार्जेस होता है। So above from here you'll get to see a stunning view of this beach, जो मॉर्निंग में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। This is really good. तो हमने मंदिर तो देख लिया है, लेकिन जो शिवा का स्टैचू है और वो स्टैचू देखने के लिए मंदिर के अंदर से नहीं जा सकते, मंदिर से बाहर से एक रास्ता है, जैसे ये थोड़ा क्विक फिक्स है तो यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, या फिर पूरा पूरा ऐसे बाहर से घूम के वो पार्किंग एरिया से घूम के आप ऊपर जा सकते हो। तो अभी मंदिर से स्टे पे आए, कुछ खाएंगे अभी और सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे टू इन मुर्डेश्वर, और आज के दिन की शुरुआत बहुत सही हुई है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठे थे, सनराइज़ देखा जो 7:45 के आसपास होता है यहाँ पे, उसके बाद जो हमने ड्रोन फ्लाई किया है ना, इतना ज़्यादा मज़ा आया, मैंने आज तक इतने दूर इतने अच्छे शॉट्स कभी नहीं लिए, बट दिस इज़ गोइंग टू बी फन।
तो आज के दिन का प्लान ये है कि जो भगवान भोले की जो मूर्ति है उसके नीचे जो स्पेस है वो देखना है। उसके अलावा शायद हम लोग बीच दूर से देखेंगे, पानी में नहीं जाएंगे। रीज़न भी हमें आगे निकलना है आज, कहाँ निकलना है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सो नाउ वी आर एट द बीच। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये बीच एरिया नहीं है। अदर साइड देखेंगे तो ये है अपने मंदिर वाला एरिया। मंदिर से लग के ही पूरा बीच है जहाँ पे यू कैन स्पेंड लाइक गुड टाइम्स। मंदिर बाकी पूरा सी शोर पे है। एक्सट्रीम एंड पे आपको पूरा समंदर दिखेगा और दोनों साइड में बीचेस है, जिसमें से एक कमर्शियलाइज्ड है जहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा होता है, और दूसरे साइड में पूरा खाली बीच है जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। वहाँ पे बस फिशरमैन्स बोट्स देखने को मिलेगी। तो मंदिर के ऊपर से ऐसा पूरा कोस्टल लाइन दिखता है ऑन द अदर साइड एज वेल, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे भगवान के नीचे आने के बाद वी आर एट डीप ब्लू कैलासा केव एंट्रेंस। तो यहाँ पे हमने टिकट देखे, वी आर गोइंग इनसाइड। ओ वहाँ पे स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, स्टोरी है, स्टोरी है। So it really feels good to be at some place like this, so peaceful, calming. We are having a good time here. और यहाँ से देखो पूरा बीच खाली है और दूसरे साइड में पूरा भरा हुआ है, but this place is really good. Well, that's it guys from this very first episode of our South India road trip. Now we are moving towards our next location, jo I'm sure aap log ko bahut pasand aayega. So stay tuned and ha do subscribe, kyunki is road trip pe aapko bada maza aane wala hai. Thank you so much for watching. To fir milte hain aapse agli video mein. To finally hum log ready hai nikalne se is city se bahar. Almost nikal hi gaya hai. Ye aapko gate dikh raha hoga. To abhi yahan se nikalte hain. Abhi kaun sa direction jana hai? Good question. I think, नहीं, इधर नहीं जाना है, हमें इधर जाना पड़ेगा। मालपेट डालू ना? हाँ, मालपेट सीधा पितरोली डालू।